इलेक्शन होंगे या नहीं, इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन शेड्यूल में क्या फिर से होगी ताखीर, अब तमाम सवालात का आखिरकार मिल गया जवाब। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन 2024 का इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें राकीन ने अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और फिर इंतखाबी शेड्यूल 2024 की मंजूरी दी गई, जिसे इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे, जिनकी फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। 24 से 30 दिसंबर तक उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की समाअत 3 जनवरी तक होगी। एपीलेट ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलें निपटाएंगे। 12 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त शाया की जाएगी, जबकि 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात जारी किए जाएंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 बरोज जुमेरात को होंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों के साथ साथ चारों सूबों की सूबाई नशिस्तों पर भी इसी शेड्यूल का इतलाक होगा। मजीद इस तरह की न्यूज अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हिद्दत न्यूज को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।